हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? अकेडमी पर फिर से आपका बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट्स जो प्रमुख क्रांतियाँ विभिन्न क्षेत्रों में हुई हैं उनके उत्थान के लिए, तो जो आपके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बनने की पूरी संभावनाएं हैं, आपके कोई भी एग्ज़ाम है जीएस से रिलेटेड, यूपी पुलिस या उत्तर प्रदेश आयोग भर्ती परीक्षा जो आने वाली है उसके लिए नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हरित क्रांति। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है और इसके जनक रहे नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति कौन लेकर आया? एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक रहे एम.एस. स्वामीनाथन। और हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी सन 1966 से 67 ईस्वी में, और इसके जो जनक रहे नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति की बात की जाए तो एम.एस. स्वामीनाथन आएगा। चलिए आगे चलते हैं। श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति जैसे इसे नाम से स्पष्ट है, श्वेत यानी सफ़ेद, दुग्ध उत्पादन, दूध के उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। और इसके जनक हैं वर्गीज कुरियन, फादर ऑफ द वाइट रिवॉल्यूशन, यानी श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। नेक्स्ट है भूरी क्रांति, उर्वरक उत्पादन से संबंधित है भूरी क्रांति। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। इस दोस्तों सभी ही इम्पोर्टेंट्स हैं, आपने याद रखनी है और बड़ी आसान है। आप एक दो बार ये वीडियो देखोगे आपके आसानी से याद रह जाएगा। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन के संबंधित है, पीली क्रांति हुई थी तिलहन उत्पादन से के लिए। कृष्ण क्रांति, कृष्ण यानी कृष्ण भगवान या कृष्ण जो काले रंग के को कहते हैं, तो काला यानी बायोडीजल जो ये सब होते हैं हमारे पेट्रोलियम, उनका रंग काला होता है, तो उनके उत्पादन से संबंधित कृष्ण क्रांति हुई थी, इससे आप याद रखेंगे। लाल क्रांति रंग लाल यानी टमाटर और मीट उत्पादन से, मांस उत्पादन के लिए लाल क्रांति हुई थी। नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है, झींगा मछली उत्पादन के लिए गुलाबी क्रांति और मछली के लिए नीली क्रांति हुई थी। नेक्स्ट है बादामी क्रांति। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित, सुनहरी क्रांति हुई थी फल उत्पादन के लिए, सुनहरी क्रांति हुई फल उत्पादन में वृद्धि के लिए। नेक्स्ट है अमृत क्रांति हुई नदी जोड़ो परियोजनाएं, जो आपस में नदी जोड़कर सूखा भगाने के लिए अमृत क्रांति हुई थी। धूसर क्रांति या स्लेटी क्रांति, यह सीमेंट से संबंधित है, धूसर या स्लेटी क्रांति। गोल क्रांति, गोल आलू गोल होता है तो आप इससे याद रखेंगे, गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित। इंद्रधनुषीय क्रांति, इंद्रधनुषीय जैसे इंद्रधनुष के में कई रंग होते हैं और इसी तरह इंद्रधनुषीय क्रांति भी कई क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु की गई, जो जितनी भी क्रांतियाँ हुई प्रमुख प्रमुख उन पर निगरानी रखने हेतु इंद्रधनुष क्रांति हुई। नेक्स्ट है सनराइज या सूर्योदय क्रांति। सनराइज या सूर्योदय क्रांति इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास के हेतु। गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह द्वारा की गई। वाटरमैन ऑफ इंडिया यहाँ से का क्वेश्चन बन जाएगा, किसे कहते हैं, किन कौन है? राजेंद्र सिंह। और भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु गंगा क्रांति की गई थी श्री राजेंद्र सिंह द्वारा, वाटरमैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं इन्हें। सदाबहार क्रांति यह जैव तकनीकी से संबंधित है। सैफ्रोन क्रांति हुई केसर उत्पादन से संबंधित, इम्पोर्टेंट है सैफ्रोन क्रांति केसर उत्पादन से संबंधित है ये। स्लेटी क्रांति थी
सेसलेटी है ये, और ये ग्रे क्रांति, ये उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है, और जो खाली स्लेटी क्रांति है वो सीमेंट के उत्पादन से, सीमेंट से, सेसलेटी और ग्रे क्रांति उर्वरकों के उत्पादन से। हरित सोना क्रांति किसके बांस उत्पादन से संबंधित है? हरित सोना क्रांति। मूंग क्रांति मोटे अनाजों के उत्पादन से संबंधित, मोटे अनाज के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए मूंग क्रांति हुई। परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन से संबंधित है, परामनी भिंडी उत्पादन से संबंधित। आप याद रखेंगे मूंग क्रांति इंपॉर्टेंट है, मोटे अनाजों के लिए की गई क्रांति थी। ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन से संबंधित है। खाद्य श्रृंखला क्रांति भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी को दोगुना करने से के लिए यह क्रांति की गई। खाद्य श्रृंखला क्रांति भारतीय किसानों की आय में वृद्धि हेतु, आपसे पूछ लेगा भारतीय किसानों की आय में वृद्धि हेतु कौन सी क्रांति की गई है? खाद्य श्रृंखला क्रांति। खाकी क्रांति है चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। व्हाइट गोल्ड क्रांति है कपास उत्पादन से संबंधित। और एनएच क्रांति है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो फ्रेंड्स, आपकी क्रांतियाँ इंपॉर्टेंट्स ही सभी आपसे पूछी जा सकती हैं आपके एग्ज़ाम में। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, आपको हमारे नोट्स अच्छे लगे, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही आगे और मैं नया वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।